भगवान एक बार ग्वाल बाल के साथ में गाय चराने के लिए गए। जब वापसी में संध्या काल में आए तो मैया यशोदा आज पकवान बना रही थी, पूरी पकौड़ी पापड़ी जलेबी कचौड़ी इमरती रबड़ी रसगुल्ला और कुछ नमकीन आदि ये बना रही थी। लाला जब आए तो मैया ने कहा, मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दे। यशोदा ने कहा, लाला दूर दूर अंदर मत आइयो रसोई में अभी। बोले क्यों मैया, मुझे भूख लगी और तू कहती दूर। लाला तो रूठ गए कि तू मेरी मैया नहीं हो सकती, माँ तो वो है जो अपने पुत्र की भूख को देख नहीं सकती सुन नहीं सकती। मां अगर ये सुन ले कि मेरा बेटा भूखा है तो सारे काम छोड़ करके रसोई में जाकर के भोजन बना करके मुझे खिलाएगी। इसलिए मैया आज ही मुझे ग्वाल वालों ने बताया मैया कि तुम्हें नंद बाबा का यशोदा का पुत्र नहीं है, तुझे तो चार गैया के बदले में मांग करके लाए खरीद करके लाए। मैया आज ही बताया था और अब मुझे पता लग गया कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं, नहीं हूं, अब तेरे हाथ का कुछ नहीं खाऊंगा। भगवान तो रूठ गए। रोके बोले यशोदा से मोहन, तूने खुद मुझको जाया नहीं है कि ग्वाल वालों ने मुझको बताया तेरा गोकुल से नाता नहीं है। भैया अब मुझे बिल्कुल समझ में आ गया, क्या बात भैया ये बात सच नहीं है, तुम मुझे चार गैया के बदले में किसी से मांग करके नहीं लाई, मुझे आज सच बता। चार गैया के बदले में मैया तूने खुद मुझको पाया नहीं है, चार गैया के बदले में तुम मैया मुझे लेकर के आई हो। रुदन करने लगे, रोने लगे। मैया ने कहा, नहीं बेटा तो किसने कह दिया तू मेरा ही बेटा है। नहीं नहीं मैया मान नहीं सकता, मैं तो ग्वाल वालों की बात झूठा मानता था लेकिन आज मुझे पता लग गया। रोते रोते नंद बाबा के पास में गए, नंद बाबा से कहने लगे, बाबा नंद बाबा नहीं है मेरे बाबा और बलदाऊ भी भैया नहीं है, मैं अकेला हूँ मेरे सर पर और किसी का भी साया नहीं है। रोके बोले यशोदा से मोहन, तूने खुद मुझको जाया नहीं। नंद बाबा ने कहा, बेटा क्या हुआ, गोदी में बिठाया, आंसू पोंछे और कहा, लाला बात क्या है। बोले बाबा बात यह है, आज मेरी माँ ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया, पूरी पकौड़ी पापड़ी जलेबी कचौरी समोसे रसगुल्ले रसमलाई और मेवा बाटी मोहन थाल आदि खूब बना रही है, रसोई सजी हुई है, मैंने मांगा तो मुझे नहीं दिया, मना कर दिया, इसलिए मैया मेरी मैया नहीं है, मेरा गोकुल से कोई नाता नहीं, मैं अकेला हूं, मेरे सर पर किसी का आया अब साया नहीं है। बाबा ने समझाया, बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ये ऐसे देवता की पूजा होती है जिसमें झूठन नहीं होती है, पहले उसके लिए थाली निकाली जाती है, संकल्प किया जाता है, उसके बाद में घर वालों को दिया जाता है। बोले बाबा कौन है वो? बोले है गिरिराज महाराज, क्योंकि दिवाली के बाद में अगले दिन इंद्र की पूजा होती है, उसे कहते हैं अन्नकूट, 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर के इंद्र को भोग लगाया जाता है और तब फिर वो पानी बरसाता है, पानी से फिर घास उगती है, अन्न उपजता है, उससे हम लोगों का गुजारा होता है। नंद बाबा ने कहा कि
कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्मूर्तय ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पय। जब हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र पानी बरसाता है तो हमारी गायों का गुजारा होता है, घास होती है, अन्न होती है, तो इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया बोले, बाबा मैंने एक दिन सुना था आपके मुख से कि जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। कि कर्म ना जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वापी पद्यते। बाबा जब व्यक्ति का जन्म मरण कर्म से होता है, जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है, तो फिर इंद्र की पूजा क्यों? और पूजा ही करनी है तो आप मेरे भगवान की गिरिराज महाराज की पूजा करो। मेरा देवता तो ऐसा है, प्रत्यक्ष आपसे मांग मांग कर के खाएगा, आपको दर्शन देगा। इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिए? बाबा ने कहा नहीं। तो फिर पूजा करने से क्या लाभ? मेरा भगवान तो ऐसा है कि वो तुमसे मांग मांग करके खाएगा। मेरा लंबा चौड़ा भगवान है। नंद बाबा ने कहा भैया कहाँ रहता तेरा भगवान लाला? बोले वो सामने देख रहा है ना, जो पर्वत दिख रहा है उस पर्वत के ऊपर ही रहता है वो। सामने जो सात कोस का गिरिराज मंडल है ना, वो मेरा भगवान का घर है, वहां रहता है। बोले अच्छा। बोले बाबा सत्य बता रहा हूँ, आप मेरे भगवान का गिरिराज जी का पूजन करेंगे तो मेरा गिरिराज महाराज तुम्हें सब कुछ देगा, तुम्हें दर्शन भी देगा, जो तुम मांगोगे वह भी मिलेगा। लेकिन पूजन करो मेरे गिरिराज महाराज का। अब नंद बाबा ने ब्रजवासियों को बुलाया, बड़े बूढ़े ब्रजवासी गए, प्रस्ताव रखा नंद बाबा ने कि मेरे लाला कह रहा है, कृष्ण कहता है कि तुम गिरिराज महाराज का पूजन करो, इंद्र का पूजन मत करो, आपकी क्या सलाह है? बड़े बूढ़ों ने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता, क्योंकि इंद्र की पूजा तो हम इतने दिन से करते हुए आ रहे हैं, अगर नहीं करेंगे इंद्र अगर बिगड़ जाएगा, रूठ जाएगा, कुछ प्रलय हो जाएगा, कुछ घटना घट जाएगी, तो फिर कौन रक्षा करेगा? ब्रजवासियों ने कहा अगर तेरे गिरिराज महाराज में इतनी शक्ति है हमारी रक्षा कर दे इंद्र से, तो हम तेरे गिरिराज का पूजन करें, अन्यथा नहीं करेंगे। तो भगवान ने बड़ा आश्वासन दिया कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरा भगवान तुम्हारी सहायता करेगा, रक्षा करेगा, मैं गारंटी लेता हूं। सात वर्ष के कृष्ण ने ब्रजवासियों को विश्वास दिलाया और कहा कि जैसे मैं कहूं आप वैसा करना। ब्रजवासियों को विश्वास हो, ब्रजवासी गोप ग्वाला सभी अपने अपने जो व्यंजन बनाए थे छप्पर प्रकार के गाड़ी में रख करके और ब्राह्मणों को साथ में आगे करके पूजा की थाली ब्राह्मण को दे करके आगे करके और चलने लगे हैं। सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज को पूजन करने के लिए चले हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।